तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, मेरा नाम है चिराग। तो गाइस, फाइनली अपने इंडिया में रेडमी नोट 10 सीरीज लॉन्च हो गई है गाइस। जी हां फ्रेंड्स, जिसका पहला फोन निकल गया है रेडमी नोट 10 प्रो। जी हां फ्रेंड्स, आज हम इसी के अनबॉक्सिंग करेंगे। जी हां फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ इसका बॉक्स दिखने वाला है बाहर, जो कि बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रेडमी नोट 10। अब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं गाइस। तो गाइस, जैसे कि हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो गाइस, सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है इसका ऊपर वाला कवर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर एक केस हो सकता है। और गाइस, इसके नीचे ही रखा हुआ है ये रेडमी नोट 10 प्रो। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन इसका फ़ोन इसके नीचे रखा हुआ है गाइस। तो गाइस, पीछे से देखने में इसमें चार कैमरे हमें देखने को मिल जाते हैं गाइस। और इसकी लुक भी बहुत अच्छी और इंट्रैक्टिव लग रही है गाइस। और ये हमारे पास है ब्लू कलर में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो गाइस अब हम फ़ोन को थोड़ा साइड में रख देते हैं और आ जाते हैं हमें इसको नीचे। तो गाइस, हमें इसमें देखने को मिल जाता है एक चार्जर और इसके साथ यूएसबी केबल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कर देगी। अब हम इसको रख देते हैं साइड पर। तो गाइस, अब हम मेन बात आते हैं मोबाइल की तरफ। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाता है ओक्टा कोर का 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का डुअल कोर। जी हाँ फ्रेंड्स, डुअल कोर प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर। जी हाँ फ्रेंड्स, 760G प्रोसेसर अपने आप में बहुत अच्छा माना गया है गाइस। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसर होने वाला है गाइस, जो कि आज के टाइम में गेमर्स वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है गाइस। इसमें आपको गेम्स वगैरह खेलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लैग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस। तो गाइस, सेकंड अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, हमें इसमें देखने को मिल जाती है 6.7 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल HD डिस्प्ले, जिसमें आपका व्यूइंग परफॉर्मेंस बहुत ही मस्त और मज़ेदार होने वाला है गाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, 6.7 इंचेस के डिस्प्ले में अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो आपको एक देखने में कुछ अलग सा ही नज़ारा देखने को मिलेगा गाइज। और गाइज, इसमें IPS LED डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है गाइज। तो गाइज, मेनली अब हम बात करते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें इसमें बैक में देखने को मिल जाते हैं चार कैमरे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि पहला कैमरा प्राइमरी कैमरा इसका होने वाला है 64 मेगापिक्सल का। जी हाँ फ्रेंड्स, 64 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है गाइज। और गाइज, अगर हम इसकी सेकंड कैमरे की बात करें तो सेकंड कैमरा हमें इसमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 मेगापिक्सल का इसका हमें पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाता है गाइज, जो कि आपके बैकग्राउंड को वीडियो या फोटो में अच्छे से ब्लर कर देगा गाइज। तो गाइज, अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड कैमरा की तरफ। तो गाइज, हमें इसमें थर्ड कैमरा देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 मेगापिक्सल का हमें इसमें थर्ड कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि है डेप्थ कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो गाइज, अगर हम इसकी फाइनल फोर्थ कैमरा की बात करें तो गाइज, हमें इसमें देखने को मिल जाता है फोर्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का, जो कि होने वाला है माइक्रो नैनो कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें आप अपने माइक्रो शॉट्स अपने फ़ोन में कैप्चर कर सकते हो। तो गाइज, पीछे की तरफ ही हमें इसमें छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी LED फ्लैश देखने को मिल जाती है गाइज। तो गाइज, मेनली अब हम इसकी सेल्फी कैमरा की बात करें तो गाइज, हमें इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का। जी हाँ फ्रेंड्स, 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि होने वाला है पंच होल डिस्प्ले कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रीन के अंदर ही हमें पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि होने वाला है 32 मेगापिक्सल का। तो गाइज, मेनली अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, बैटरी हमें इसमें देखने को मिल जाएगी 5050 mAh की। जी हाँ फ्रेंड्स, 5050 mAh की हमें इसमें बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बैटरी मानी जा सकती है गाइस, जो कि आपके 2 से 3 दिन ट्रैवलिंग में या फ़ोन लगातार यूज़ करने में निकाल देगी गाइस। तो गाइस, अगर हम इसकी चार्जर की बात करें तो गाइस, हमें इसमें चार्जर इसके बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला है Type-C to Type-C। जी हाँ फ्रेंड्स, Type-C to Type-C, इसमें हमें चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि होने वाला है 30 वोल्ट का। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि आपके फ़ोन को 1 से 1.5 घंटे में 0 से 100% तक फुल चार्ज कर देगा। तो गाइस, मेनली अब हम आ जाते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो गाइस, हमें इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि होने वाले हैं 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, 6GB RAM 64GB इसकी इंटरनल स्टोरेज के साथ में। जो गाइस, 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला है वो हमें देखने को मिल जाएगा कुछ 19,000 के करीब। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो 128GB वाला वेरिएंट है वो हमें देखने को मिल जाएगा 22,000 के करीब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो गाइस, अगर आप ये फ़ोन खरीदना चाहते हो या खरीद चुके हो या खरीदने की सोच रहे हो, तो गाइस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।